नमस्कार, मैं जुल्फिकार ब्यास अकेडमी बाराबंकी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, आप लोग जानते होंगे कि वर्णमाला का जो पार्ट टू है ये हमारा हो चुका है। आज हम वर्णमाला का जो पार्ट थ्री है वो हम यहां पर आज हम पढ़ेंगे। वर्णमाला के पार्ट टू में हमने स्वर के बारे में देखा था। स्वर क्या है, सजाति क्या है, विजाति क्या है, अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है। अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में लास्ट में स्वर के बारे में हमने बताया था। उसके बारे में हम लोगों ने भली भांति सीखा और समझा। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला का पार्ट थ्री, यानी कि अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे क्या, व्यंजन। अब हमें क्या पढ़ना है, व्यंजन। एक बात ये ध्यान रखना, व्यंजन हर किताबों में इस रूप में लिखा हुआ है, हर किताबों में इस रूप में लिखा हुआ है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी भी वर्तनी के रूप में पूछ ले कि वर्तनी के आधार पर कौन सा सही है, आपसे अगर वर्तनी यानी कि जो स्पेलिंग है, जो हम लिखते हैं उसके हिसाब से, उसके आधार पर कौन सही है, तो उस आधार पर व्यंजन आप हमेशा ये सही लगाना। इसको हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हर किताबों में लिखा हुआ है और आप इसी को पढ़ते हो, इसलिए इसको हम लिखते हैं। तो आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना, कभी भी आपसे वर्तनी में पूछे तो समझ जाना ये वर्तनी के आधार पर क्या है, व्यंजन। ठीक है, चलो आज हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोगों को पता हो तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यहां पर एक शब्द है, द्विरथ। ये जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये किसका पर्याय है, जो द्विरथ है ये किसका पर्याय है, आप लोग इसके बारे में हमें कमेंट में लिख सकते हो। चलो, व्यंजन क्या होता है, जैसे हमने देखा कि जो स्वर होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जो स्वर होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और अगर हम कहें व्यंजन क्या होता है, तो एक शब्द में आप क्या इसके बारे में नहीं बता सकते हो, एक शब्द में आप बता सकते हो पूरा, आप इसको ना लिखो, एक शब्द में केवल आप ये लिख दो कि ये क्या होता है, परतंत्र होता है। ये क्या होता है, परतंत्र होता है। यानी कि ये जो व्यंजन है ये अपने आप में फ्री नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जब तक इसके साथ में स्वर नहीं है तब तक इसको हम लिख बोल नहीं पाएंगे, इसका सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखना कि स्वर तो स्वतंत्र है जबकि व्यंजन परतंत्र है। अब परतंत्र है तो किसके ऊपर परतंत्र है, एक बात ध्यान रखना, ये किसके ऊपर परतंत्र है, तो हम कह देंगे स्वर के ऊपर ये क्या है, परतंत्र है। यानी कि स्वर के ऊपर ये क्या है, आश्रित है। अगर इसके ऊपर हम स्वर नहीं लगाएंगे तो इसकी कोई मात्रा नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। और अगर हमसे पूछ लेता है एग्जाम में कि व्यंजन का जो मूल रूप है ये क्या है, व्यंजन का जो मूल रूप है ये क्या चीज है, हमसे एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार हमसे पूछ चुका है कि व्यंजन का जो मूल रूप है वो क्या है, मूल रूप यानी कि इसका जो जड़ है, इसका जो बेस है वो क्या चीज है। तो एक बात ये ध्यान रखना, व्यंजन का मूल रूप होता है क्या, हल होता है। और कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है, हलंत लिखा होता है, उसको हम हल कहते हैं, उसको हम हलंत कहते हैं। अगर आप देखते हो तो हमको किताबों में ये चीजें हमको दिख जाती हैं, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि स्वर रहित क्या है, स्वर रहित, तो कंफ्यूज मत होना, यानी कि इसमें जब स्वर नहीं होगा तभी ये क्या होगा, मूल रूप कहलाएगा। और जब मूल रूप कहलाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वर रहित, यानी कि उसमें स्वर नहीं है। इस रूप में लिखा हो तब हम आंसर दे देंगे, अगर इस रूप में ना लिख करके वो ऐसे कोई वर्ण लिखते, ऐसे लिखते, अगर ऐसे लिखे कहें ये क्या है, तो हम कहेंगे ये व्यंजन है। क्या व्यंजन का मूल रूप है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इस क, जब हम क का उच्चारण करते हैं तो क ध्वनि बाद में क्या निकलती है, अ, यानी कि इसमें छोटा अ छिपा हुआ है, इसमें छोटा अ स्वर छिपा हुआ है। तो ये व्यंजन तो है लेकिन व्यंजन का मूल रूप नहीं है।
फिर व्यंजन का मूल रूप हम कैसे बनाएंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये वाला सिंबल लगा देंगे। और ये वाला सिंबल दिखाता क्या है, आप एक भाषा में आप ये समझ सकते हो, जो हमारे आधे वर्ण होते हैं, जो हमारे आधे वर्ण होते हैं वही व्यंजन का मूल रूप है। सीधा ये समझो, जो हमारे आधे वर्ण होते हैं वही क्या है, व्यंजन का मूल रूप। स्वर कभी भी आधा नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना, स्वर कभी आधा नहीं होता, जबकि व्यंजन हमेशा आधा होता है। जो इसका मूल रूप है वो क्या होता है, हमेशा आधा होता है। अगर इस रूप में लिखा हो तब भी आप बता दोगे, अगर लैंग्वेज ये शब्द में लिखा हुआ है तब भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। करते हैं और लिखे कैसे हैं, ये वर्ग में लिखे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे,
वर्गीय, और इनकी संख्या कितनी है 25, यानी कि एक वर्ग में इनकी संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, और वर्ग कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 × 25, इनकी संख्या कितनी है 25 है। अब एक बात ये ध्यान रखना, इनकी संख्या 25 है, इनकी संख्या क्या है 25 है। अब यहाँ पर अगर हम पूछें कि इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा इन वर्णों को हम क्या कहेंगे? यानी कि ये अगर आप देखो नॉर्मल तरीके से, अगर आप इसको देखो तो क ख ग घ ङ, 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा है 5, 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा है 5, तो इनको हम कहते हैं पंचमाक्षर, इनको हम क्या बोलते हैं पंचमाक्षर वर्ण बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप जैसे बोलते हो अंग, तो ध्वनि कहाँ से निकली नाक से निकली, हमने बोला इया, ध्वनि कहाँ से निकली नाक से निकली, हमने बोला अण, ध्वनि कहाँ से निकली नाक से निकली, हमने बोला न, हमने बोला म, तो ध्वनि कहाँ से निकली नाक से, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होता है नासिक होता है, या नासिका, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है नासिक होता है। एक बात ये ध्यान रखना, ये ऊष्म व्यंजन है, और इनमें से कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, इनको कभी हमसे कहता है ऊष्म व्यंजन और कभी कहता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, कभी क्या बोलता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, कभी कभी क्या बोलता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये। लेकिन यहां से हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ऊष्म व्यंजन है ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, क्या कहीं ये संघर्ष कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, संघर्ष कौन करेगा, संघर्ष यहाँ पर देखो ये करेगा, और इनमें संघर्ष कौन करेगा, तो इनमें जो च वर्ग है ये भी हमारा क्या करेगा संघर्ष करेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कैसे हमसे पूछ सकता है वो भी संघर्षी है तो क्या ये भी संघर्षी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन पूछने का तरीका ये है कि हमसे पूछेगा क्या स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। अब इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, इस रो को हम क्या बोलेंगे, च वर्ग को हम क्या बोलेंगे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, इसको हम क्या बोलेंगे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, यानी कि ये संघर्ष भी करते हैं और हमारे मुख के अंदर ये स्पर्श भी करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, और इनका नाम क्या है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म का मतलब क्या होता है गर्म, ऊष्म का मतलब क्या होता है गर्म, और संघर्ष का मतलब क्या होता है वो घर्षण करते हुए, संघर्ष करते हुए जब हम बोलते हैं तो जो हमारी प्राण वायु है वो गर्म करते हुए और संघर्ष करते हुए हमारे मुख के अंदर से निकलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये जो है ये संघर्ष तो करती है बट ये स्पर्श भी करती है, इसलिए इसका नाम क्या है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चीजें होती वही है लेकिन पूछने का जब तरीका बदल देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछे इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है 4, इनकी संख्या कितनी है 4, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे य र ल व, इनकी संख्या कितनी है 4। और यहाँ पर अगर आपसे हम पूछ लें, अब यहाँ पर हम फिर पूछना चाहते हैं कि इन चारों में हिंदी में अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं, तो एक बात ये ध्यान रखना, एक य है और एक व है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं अर्धस्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्धस्वर बोलते हैं। ये संस्कृत हम नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में अर्धस्वरों की संख्या 2 है, क्या है केवल 2 है, एक यह है और एक दूसरा क्या है व है। अब बात यहाँ पर आती है ऊष्म व्यंजन की, और इसे हम क्या बोलते हैं संघर्ष व्यंजन बोलते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या भी कितनी है 4 है, यानी कि श स स स स और क्या ह, इनकी संख्या कितनी है 4 है। एक बात ध्यान रखना कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन इनकी संख्या 4 है, आपको पता होगा कि ये जो ह है,
हमसे पूछ चुका है, परीक्षा में हमसे पूछ चुका है कि ह कैसा वर्ण है, या आपसे ये पूछ लेगा कि निम्न में से यही चार ऑप्शन दे देगा, यही आपको ऑप्शन में दे देगा, आपसे कहेगा कि निम्न में से काकल वर्ण की पहचान कीजिए, या यही चार ऑप्शन आपको दे देगा, आपसे कहेगा निम्न में से स्वर, आपसे पूछ लेगा कि अगर इसको हम कहें तो ये जैसे हम अ का उच्चारण करते हैं वैसे ह का भी कहते हैं करते हैं, यानी कि अ का कंठ होता है तो ह का भी क्या होता है कंठ होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे काकल वर्ण, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे काकल वर्ण बोलेंगे, एक बात ये ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलेंगे काकल वर्ण बोलेंगे, यही चार ऑप्शन में देगा स स स और ह, ये वाला जो स है आपको पता है यूपीपी 41520 में ये जो क्वेश्चन आया था कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, सभी का उच्चारण स्थान आप समझ जाओगे, लेकिन जब सेम लिखा होता है ये स स स हम इसको क्या पढ़ते हैं सिटी वाला स, इसको हम क्या पढ़ते हैं पेचिरा वाला स, क्या पढ़ते हैं इसको हम फेचिला वाला सा, इसको हम क्या पढ़ते हैं सिंपल वाला सा, लेकिन एग्जाम में परीक्षा में हमसे ये नहीं पूछेगा, हमसे पूछ लेगा कि निम्न में से तालव्य स्वर की पहचान कीजिए, या निम्न में से कौन सा तालव्य है, या आपसे कहेगा मूर्धन्य की पहचान कीजिए, या आपसे पूछेगा दंति की पहचान कीजिए, तो ये वाला जो स है, ये वाला जो स है ये क्या होता है तालव्य, ये क्या होता है तालव्य, ये वाला जो स है ये क्या होता है, ये होता है मूर्धन्य, ये क्या होता है मूर्धन्य, ये वाला जो स है ये क्या होता है दंती, इसका उच्चारण स्थान क्या है दंती, ये वाला जो ह है इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है कंठ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है कंठ है, हाँ ठीक है मेरे मित्रों। चलो अब हमने व्यंजन के भेद हमने पढ़ा, व्यंजन के हमने भेद पढ़ा, लेकिन क्या वहीं से इसका काम समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब हमसे परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, अगर हम जानकारी नहीं रखेंगे तो ये मत समझना कि ये हिंदी है, ये मत समझना ये हिंदी है, और हिंदी के ऊपर कितनी बिंदी, हिंदी के ऊपर कितनी बिंदी ये मत समझना, कंफ्यूज मत होना भैया, हिंदी है लगता आसान है लेकिन फिर भी आपको कर देता है बहुत परेशान, ये बात समझना। अब आपसे पूछ लेता है कभी कभी यहाँ पर कि बताइए आगत व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछ लेता है कि आगत व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, आगत या विदेशज या विदेशी, अब आपको ध्यान रखना है क ख ग स प, एक बात ये ध्यान रखना क्या इन्हें आगत व्यंजन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, इन्हें हम नहीं बोलेंगे, जब यहाँ पर हम नुक्ता लगा देंगे, यहाँ पर हम नुक्ता लगा देंगे, यहाँ पर नुक्ता लगा देंगे, तब भी क्या बोलेंगे इन्हें आगत व्यंजन बोलेंगे। अगर आपसे पूछे आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप क्या लगाओगे पांच लगाओगे, और अगर आपसे पूछे मुख्य रूप से तो मुख्य रूप से केवल केवल ये दो है स और फ। अब बात यहाँ पर ये आई कि ये जो आगत व्यंजन है इनके नीचे ये जो हमने बिंदी लगाई है, इनके नीचे जो हमने नुक्ता लगाया है, क्या ये हमने लगाया है या आपने लगाया है, एक बात ये ध्यान रखना, कोई विद्वान तो होगा जिसने वर्णों के नीचे क्या किया नुक्ता लगाया बिंदी लगाया, तो उनका नाम क्या था, यानी कि वर्णों के नीचे ये जो नुक्ता है, वर्णों के नीचे ये जो बिंदी है ये किसने लगाया, तो मेरे प्यारे मित्रों ये ध्यान रखना उनका बड़ा प्यारा नाम है, क्या नाम है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, इन्होंने वर्णों के नीचे क्या लगा दिया नुक्ता लगा दिया। एक बात ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो इसकी जरूरत क्यों पड़ी आखिरकार क्यों लगाया हमने, जैसे आप कभी कभी लिखते हो ऐसे लिख देते हो क, और उसके सामने आप क्या लिख देते हो एक क यहाँ पर ये लिखा है और एक क यहाँ पर
ये लिखा है। अब अगर जैसे मान लो इस क से कोई शब्द शुरू होता है या किसी का नाम शुरू होता है तो आप कैसे लिखोगे? ये क लिखा है, आपको पता है कि जो इंग्लिश है एक उसमें क्या होता है, के होता है, और एक क्या होता है, क्यू होता है, ये दोनों क ही है। तो किसके साथ में हम क्यू लिखें और किसके साथ में हम के लिखें? तो एक बात ये ध्यान रखना, ये जो क्यू है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क। और ये नॉर्मल अगर रूप में देखा जाए तो ये क नहीं है, ये क है। जो ध्वनि निकलती है कहां से निकलती है, यहां से, क, क क्या है, क। अब यहां पर हम लिखेंगे ये जो नुक्ता है, जो बिंदी है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। और अगर जो नुक्ता नहीं है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। जैसे यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है ज लिखा है, और एक यहां पर क्या लिखा हुआ है, ज लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एक जे होता है और एक जेड होता है। तो कहां पर हम जे लिखें और कहां पर हम जेड लिखें, अगर ये आपको नहीं पता है, लिख तो दोगे आप, पढ़ा भी, वो पढ़ने वाला भी उसको पढ़ लेगा, लेकिन अगर देखा जाए ये सही है तो सही नहीं माना जाता है। अगर यहाँ पर ज लिखा हुआ है तो इसके लिए हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। अगर यहाँ पर ज के नीचे यहाँ पर नुक्ता यानी कि बिंदी लगा हुआ है तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, जेड, यानी कि ज है, और ये क्या है, ज है। ये क्या है, सिंपल क है, और ये क्या है, प है। ये क्या है, क है। इसलिए राजा सुप्रसा सितारे हिंद ने गणों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज निकाल दिया है। इनका नाम ध्यान रखना मेरे मित्रों, ठीक है? चलो इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात और भैया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर जरूर करना। हो सकता है कोई आपका गांव का मित्र है, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है और आपने उसको शेयर कर दिया, और अगर उसको जॉब मिल गई तो सोचो आपको वो कितनी दुआएं देगा, हमेशा हमेशा आपको दुआ देगा वो कि मेरा जो वो मित्र है, वो फला मित्र हमको वहां पर पढ़ता था और कोई भी वीडियो या कुछ भी होता था वो हमारे पास शेयर कर देता था ताकि हमको भी हेल्प मिल जाए। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा मदद करना सीखो, कोई भी हो, किसी भी रास्ते में, कहीं पर भी, किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो, हमेशा उसकी क्या किया करो, मदद किया करो, ठीक है मेरे मित्रों? तो इसको शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कभी-कभी पूछ लेता है कि बताइए लुंठित व्यंजन हमारे कौन से हैं, और कभी-कभी आपसे पूछ लेता है पार्श्विक व्यंजन बताइए, लुंठित व्यंजन, और कभी-कभी आपसे पूछ लेता है पार्श्विक व्यंजन। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, कुछ लोग तुक्का लगाने के चक्कर में यहां पर ल है तो ल से ल कुछ याद रखते हैं, ज्यादा सब चीजों में आप अगर आप ट्रिक लगाने लगोगे तो ट्रिक भी क्या है, उसको भी तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिक हो या कोई भी चीज हो तो बेहतर यही है कि सबसे पहले उसको हम सीख लें, फिर ट्रिक अपने आप से हम बना लेंगे। एक बात ये ध्यान रखना, ये लुंठित व्यंजन है, ये लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, ल होता है, ये कौन सा होता है, र होता है, ये पार्श्विक व्यंजन है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ल होता है। ये लुंठित व्यंजन है, हमें पता है ये लुंठित व्यंजन है, हमें पता है ये पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्व का मतलब अगर यहाँ पर हम देखें, ये जो शब्द, अगर इस शब्द में हम देखें तो ये जो शब्द बना है पार्श्व से बना है, और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो क्या है, एक प्रत्यय है। पार्श्व का मतलब क्या होता है, अगल बगल, इसका मतलब क्या होता है, अगल बगल, इसका मतलब क्या होता है, अगल बगल। यानी कि जब हम ल को बोलते हैं तो बोलते वक्त जो हमारी जिह्वा है इसके अगल बगल से जो वायु है वो निकल जाती है, जो जीभ है इसके अगल बगल से जो वायु है, जो प्राण वायु है, जो हवा है, वो जीभ के अगल बगल से निकल जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ये लुंठित, यानी जब हम ल को बोलते हैं तो हमारा ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि जो हमारी जिह्वा है, जो हमारी जीभ है, वो
वो लुढ़क रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लुंठित। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, कभी हमसे कहता है लुंठित व्यंजन और इसका दूसरा नाम हमसे पूछ लेता है। अगर आपसे पूछे इसका दूसरा नाम क्या है तो क्या आप कंफ्यूज रहोगे? एक बात ये ध्यान रखना, लुंठित कहे या आपसे क्या कहे, प्रकंपित कहे, इस नाम से बहुत पूछता है, इस नाम से बहुत पूछता है, तो ये ध्यान रखना, इस नाम से हमसे बहुत पूछता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों, आपसे पूछता है व्यंजन में ही आपसे पूछता है कि उच्छित व्यंजन बताइए, फिर आपसे पूछता है उच्छित, तो सभी को पता है हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो उच्छित के बारे में वो जानता होगा। लेकिन अगर आपसे वो पूछ ले गौण पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले गौण पूछ ले तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपसे वो द्विगुण पूछ ले, अगर आपसे वो द्विगुण पूछ ले तब भी वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, जो उच्छित है उसे हम क्या कहते हैं, गौण कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं, एक है हमारा ये अड़ और एक है क्या हमारा अढ़। लोग समझ नहीं पाते हैं, जब ऑप्शन में देता है कि निम्न में से, जैसे ऑप्शन में आपको दे देगा ये दे देगा और ऑप्शन में आपको ये दे देगा और ऑप्शन में आपको ये दे देगा और ऑप्शन यहाँ पर कह देगा सभी सभी सही है, क्या लगाओगे? हमारे हिसाब से लोग यही लगा देंगे, हमारे हिसाब से लोग यही लगा देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इसके नीचे बिंदी नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर आप इसके नीचे बिंदी नहीं लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये हमारा सही है, इन चारों में आप देखो कि बिंदी कहां पर है, यहां पर है, तो ये सही होगा, ये गलत, ये गलत। इसको इस तरीके से ध्यान रखना, अगर आप, क्योंकि एग्जाम में यहां पर हमने आपको ये जो नुक्ता है ये हम थोड़ा सा बड़ा बनाया है, अब एग्जाम में कैसे करेगा, वो ऐसे कर देगा, आपको वहां पर पहचानना है कि किस तरीके से चीजों को हम पहचान जाए। तो जो उच्छिप्त व्यंजन होता है और जो हमारा गौण व्यंजन होता है, इसको हम द्विगुण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको एक बार हम ड पढ़ते हैं और एक बार अड़ा पढ़ते हैं, इसलिए अपने आप में ये दो गुण रखता है। ये एक बार हम ढ और एक बार में इसको हम क्या पढ़ते हैं, ढ पढ़ते हैं, इसलिए अपने आप में ये क्या करता है, ये द्विगुण है, मतलब दो क्वालिटी है, दो गुण है। ये गौण यानी कि ये प्रधान नहीं है, ये मुख्य नहीं है, ये मुख्य नहीं है, क्या है, गौण है, यानी कि अप्रधान है। यहाँ पर उच्छित यानी कि जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जबान है झटके से ऊपर जाती है और झटके में क्या, नीचे आ जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उच्छित व्यंजन बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उच्छित व्यंजन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, उच्छित व्यंजन बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। अब अगर यहां पर हम आपसे कह दें, यहां पर हम आपसे कह दें कि ये हमारा उच्छित है, ये हमारा गौण है, ये हमारा द्विगुण है, तो अगर आपसे वो पूछ ले, कभी भी आपसे वो पूछ ले कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है, अगर ऑप्शन में ये भी लिखा हो और ऑप्शन में ये भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ये द्विगुण मतलब अपने आप में दो गुण, अपने आप में दो गुण, और ये क्या है, द्वित्व है, यानी कि ऐसा व्यंजन जो दो बार लिखा हो। अब दो बार लिखा हो उसके चक्कर में लोग गलती कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम ऐसे, हम आपको समझाना चाहेंगे, ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा जननी, ऑप्शन में दे देगा जननी, और ऑप्शन यहाँ पर आपको दे देगा, ऑप्शन में आपको दे देगा उड्डयन, और ऑप्शन में दे देगा यहाँ पर नमक, और ऑप्शन में दे देगा यहाँ पर कोई नहीं, या कह देगा सभी सही है, क्या लगाओगे आप? कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और
कुछ लोग यहाँ पर सभी लगा देंगे, कहेंगे एक हो सकता है वो गलती से यहाँ पर नमक लिख दिया है, ये सभी होगा। तो एक बात ये ध्यान रखना, द्वितीय व्यंजन हम उसे बोलेंगे जिसमें पहला वर्ण है वो कैसा होना चाहिए, आधा, और सेम वही वर्ण दूसरा क्या होना चाहिए, पूरा, उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीय व्यंजन बोलेंगे। यहाँ पर दो व्यंजन है लेकिन दोनों क्या है, पूरा है, आधा कोई नहीं है, इसलिए ये द्वितीय व्यंजन नहीं होगा। हम किताबों में क्या पढ़ते हैं, हम किताबों में हमने केवल यही पढ़ा है, हमने केवल यही पढ़ा है दिल्ली, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, दिल्ली, यानी कि पहला आधा, दूसरा क्या है, पूरा। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, बिल्ली, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, बिल्ली, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, कुत्ता, यानी कि पहला आधा और दूसरा पूरा, पहला आधा और दूसरा पूरा। ये किताबों में ये लिखा है, लेकिन कोई भी शब्द लिखा हो अगर उसमें पहला वर्ण आधा है और सेम वही वर्ण दूसरा वाला क्या है, पूरा है, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा द्वितीय व्यंजन होगा। अगर यहाँ पर हम आपसे कहें, यहाँ पर हम कहें कि ये लिखा है अंतरराष्ट्रीय, ये क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय, ये क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय, क्या इसमें द्वितीय व्यंजन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो रेफ वाला रह है ये यहीं पर है, यानी कि पहला आधा दूसरा क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर द्वितीय हो गया। अगर यहाँ पर हम कहें ये क्या लिखा है, उड्डयन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी है, यानी कि पहला आधा और दूसरा क्या है, पूरा है। यहाँ पर अगर हम कहें ये उल्लास लिखा है, तो यानी कि पहला आधा दूसरा पूरा यहाँ पर भी है। तो किसी भी शब्द में लिखा हो, बस एक बात ये ध्यान रखना कि सेम वर्ण, पहला आधा और दूसरा पूरा। अब ये ना हो कि पहला वाला पूरा हो दूसरा वाला आधा हो, हमको वो कंफ्यूज कर सकता है कि पहला वाला पूरा कर देगा और दूसरा वाला क्या कर देगा, आधा कर देगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि पहला वाला आधा होगा और दूसरा वाला क्या होगा, पूरा होगा, यानी कि पहला वाला क्या होगा, यहाँ पर ये वाला आधा होगा और दूसरा वाला क्या होगा, पूरा होगा। पहला वाला क्या होगा, आधा, दूसरा वाला पूरा, पहला वाला आधा, दूसरा वाला क्या होगा, पूरा होगा। तो ये रही बात द्वितीय व्यंजन के बारे में। पर ये जो द्विगत है, चलो इसका हम आंसर दे ही देते हैं। इसका हमने क्या पूछा था, पर्याय, ये किसका पर्याय होता है ये समझना। ये पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं जो बार-बार एग्जाम में हमसे पूछते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, तो ये समझ लेना ये किसका पर्यायवाची है, हाथी का। ये किसका पर्यायवाची है, हाथी का, ठीक है भैया, ये किसका पर्यायवाची है, हाथी का। चलो अब यहां पर हमने व्यंजन को पढ़ा, व्यंजन वाला जो पोर्शन था वो हमारा समाप्त हो चुका। अब अगली जो हमारी क्लास होगी, यानी कि पार्ट फोर में, अब हम पढ़ेंगे अघोष और सघोष। आज की क्लास यहीं तक, और दूसरी बात, इस क्लास को यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, प्रेस करें, खुश रहें,